झुके का एक पहलू होता है, उसे देने वाला एक अपना ही होता है। So I started this vlog at the middle of the day because क्योंकि मैं अभी थोड़ा बिजी व्यस्त था, मतलब उसके बाद आया और अभी फ्री हुआ हूँ। देखो मैं चेंज भी नहीं किया हूँ, उतने भैया का फोन आ गया कि मूवी चल रहा है और कल वैसे भी लॉकडाउन है हम लोग का, मतलब संडे लॉकडाउन कंप्लीट। तो बस इसीलिए यार आज सोचे कि आज पहुँच जाएँ, देख लें मूवी जो लगी है इस फ्राइडे, शायद मुंबई सागर लगी है तो वही मुंबई सागर देखने जा रहे हैं। तो यार जा रहे हैं मूवी देखने, उसके बाद मूवी देखने के बाद यू नो अपन क्या देते हैं, रिव्यू। तो खटाक से आपको क्यूक सा रिव्यू देंगे और फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको जाना है कि नहीं। एनीवेज वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई साहब अपन क्या हो गए लेट, बट अपन पहुँचेंगे और देखेंगे कितना टाइम, 6:30 हो चुका। फटाक से जाते टिकट कटाते फिर उसके बाद अंदर जाते। अरे गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग इन थिएटर 24 मार्च। आई होप कि लॉकडाउन बस 21 को ही रहे, ज़रूर आएंगे इसको देखने। बार बार वही रूटीन दिखा के आपको भी बोर ना करेंगे, इसलिए डायरेक्ट टिकट कटा के हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। फिर उसके बाद आपको मूवी जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद मैं दूंगा रिव्यू, ठीक है गाइस? तो मिलते हैं मूवी ख़त्म होने के बाद। शहर का नाम रख दिया मुंबई और फिर दहेज भी। तो भाई साहब इट्स अराउंड 9 और मूवी हो चुकी है ख़त्म, अब जा रहे हैं खाने। और जो मूवी का रिव्यू है, मूवी मतलब अच्छी लगी, धांसू इतनी धांसू, तो अपन इत्मीनान से घर जाके बैठ के आराम से रिव्यू दें। तो फिलहाल तो अभी जा रहे खाने, देन उसके बाद मैं घर पहुंचता हूँ, देन आप मूवी का रिव्यू दें। सी यू गाइस। सो चेंज इन प्लान, हम लोग रुक के नहीं खा रहे थे, हम लोग ने पैक करा है और भैया का ये डिसीजन था कि हम लोग जाएँ पैक कराएं और क्यों ना कार में ही बैठ के रिव्यू और डिनर भी हो जाए। क्यों, क्या बोलते ब्रो? यस ब्रो। और अब जा रहे हैं मेरे घर, वहाँ मिलाऊँ अपने घर से प्लेटें और यहाँ खाएंगे हम लोग और फिर आपको मूवी के बारे में मतलब अपना डिस्कशन होगा मूवी के बारे में। सो मीट यू गाइस एट होम। तो यार आ चुके घर और सज चुकी है प्लेट और मतलब रोटी वगैरह सब चीज़ आ चुकी है, बस अब खाएंगे। पार्टी इन द कार, या ब्रो, पार्टी इन द कार। तो बस अब पार्टी कर रहे हैं, खाएंगे, खाने के बाद मिलते हैं। तो अभी खा के फिर आते हैं, कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस हम लोग खाते खाते डिसाइड करेंगे, खाते टाइम हो जाएगा फिर रिव्यू भी देंगे तो उसमें भी टाइम हो जाएगा। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग खाएंगे भी और फिर रिव्यू भी देंगे। तो बिना किसी देरी के रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो ब्रो व्हाट्स योर ओपिनियन? धोखे का एक पहलू होता है, देने वाला एक अपना ही होता है। सो ब्रो ये वन ऑफ द डायलॉग है, इट्स अ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग इन मुंबई सागर मूवी का। मतलब ये सबसे मेन पॉइंट मूवी का ये बोला जाए कि उसका एक्शन और उसके डायलॉग भाई साहब एक नंबर। और जैसी मूवी चालू हुई उसमें लिखा ही आ जाएगा कि मूवी इज इंस्पायर्ड बाय द ट्रू इवेंट्स, तो इसमें बोलने की जरूरत नहीं कि मूवी सत्य घटना पे आधारित है। बाकी और कैरेक्टर का आपको कैसा लगा, सबसे अच्छा रोल? सबसे अच्छा कैरेक्टर रोल इज बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स इमरान हाशमी एंड जॉन अब्राहम, यू जस्ट गाइस रॉक। थोड़े से लास्ट में कॉन्सेप्ट डल कर दिया गया, मतलब जिस प्रकार से अपन सोचे थे कि एंडिंग तगड़ी होनी चाहिए वैसी नहीं हुई, बट ओवरऑल मूवी ने It's तो fantastic. बहुत तेज माहौल खींची। माहौल खींचने से मतलब ये था कि मतलब जो स्टार्टिंग ही आपको एक नंबर की मिल जाएगी, रॉकसम टाइप की, मतलब ऐसा लगे ही नहीं कि आप बोर हो सकते हो, मतलब पकड़ के चली मूवी। मतलब वो चीज बोला जाए, अमर्त्य राव बोले तो AKA जॉन अब्राहम ने बहुत तगड़ा रोल खींचा है, मतलब जो बोलते हैं ना वापसी टाइप का, मतलब क्या बोल सकते हैं अपन कि जॉन को ये वाले रोल बहुत धांसू सूट करते हैं, समझ रहे? तो बस यही है यार। और बाकी सबका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था, जैसे कि अपने भाऊ हो गए और इमरान हाशमी हो गए, मतलब सबने अच्छा माहौल खींचा एक नंबर का। तो ओवरऑल मूवी को अब अपन आ जाते हैं मूवी की रेटिंग में, तो आप कितना देना चाहेंगे 5 में से?
फोर स्टार, फाइव में से फोर स्टार। हाँ, और मैं भी फाइव में से फोर स्टार ही दूंगा क्योंकि मूवी बहुत अच्छी है। और अगर कल, वैसे तो मैं जबलपुर से हूँ तो कल लॉकडाउन है, तो उसके बाद अगर लॉकडाउन खुलता है और अगर आपको चांस मिलता है जाने का तो जाइए और ज़रूर देखिए मूवी, बहुत ही मस्त लगी, आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे और आपका पैसा वसूल होगा। यू मस्ट गो एंड वॉच इट। हाँ, एंड जस्ट नहीं, यू मस्ट गो एंड वॉच इट कॉज इट वर्थ टू वॉच इट। सो गाइस प्लीज जाइए, और थक गए वैसे अपन, है ना, इसलिए थोड़े से डैड टाइप के लग रहे हैं। और रात के कितने बज रहे भैया? इट्स ऑलमोस्ट 10:58। हाँ, तो तभी थोड़ी सी नींद नींद टाइप का चेहरा है। बस यार अभी खाना बस खाना खा रहे हैं, उसके बाद मैं घर जाऊंगा, भैया घर जाएंगे, देन आई एल एंड दी ब्लॉग एट माय रूम। सो गाइस मीट यू एट माय रूम। ठीक है ब्रो, मिलते हैं, गुड नाइट। गाइस आ चुका हूँ मैं अपने घर, मतलब घर बोले तो रूम में, और इट्स 11:36 इन द नाइट। तो बस यार आई होप कि आपको ये मतलब रिव्यू जो हम लोग देते हैं वो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अपन बहुत लंबा तंबा नहीं खींचते, जो छोटा है बिल्कुल मेन पार्ट, हाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए आपको मूवी, वैसा अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और फिर कल तो लॉकडाउन है, कल घर ही पे रहेंगे, तो देखते हैं घर में कुछ कारनामे करते हैं, देन आई विल रिकॉर्ड। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, हासिल विस्तार, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड, गुड नाइट गाइस।